एक कोड सिर्फ आप अपनी वेबसाइट पे एम्बेड करेंगे तो वो सारा का सारा प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे शो हो जाएगा। सो गाइज, इस सीरीज के अंदर में हम आपको यहाँ पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए बताने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे के वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट किया गया है, उस प्रोडक्ट को आप अपने वेबसाइट पे डायरेक्ट शो करवा सकते हैं, और कोई भी अगर बंदा वहाँ से प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसका कमीशन आपके अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमने वेबसाइट यहाँ पे खोला हुआ है, यहाँ पे इस तरह से कुछ प्रोडक्ट लिस्ट रहेंगे। ऊपर में यहाँ पे आपको हेडर मेन्यू सब रहेगा, और ये बेसिकली एक कैटेगरी वाइज रहेगा। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रोडक्ट से संबंधित। कोई भी बंदा यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट वो अमेज़ॉन के साइट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से वो शॉपिंग करेगा, बाय करेगा। और इसका इंसेंटिव आपको आपके अमेज़ॉन वाले वहाँ पे जो एफिलिएट का जो अकाउंट रहेगा उस अकाउंट में आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। और आपके डिस्प्ले पर जो है कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट शो करेगा, और यहाँ पे लोड मोड पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी यहाँ पे प्रोडक्ट खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से लोड मोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे खुल के आते रहेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो टेक्स्ट रोटेट कर रहा है, इस तरह का टेक्स्ट किस तरह से रोटेट करवाना है उसका भी हम आपको यहाँ पे फंक्शन बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे आप रोटेट करवा सकते। तो इस तरह से हमारा ये वेबसाइट बनने वाला है जहाँ पर कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट डिस्प्ले कराया जाएगा। सो गाइज, इस प्रकार की वेबसाइट हम फ्री में बनाएंगे, जहाँ पे हमारा कोई भी डोमेन का चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी होस्टिंग का चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप कस्टम डोमेन वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप चार्ज दे करके ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई भी होस्टिंग यहाँ पे परचेज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह का वेबसाइट आज के इस वीडियो में हम ब्लॉगर पे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वीडियो 2 से 3 वीडियो में कवर हो, क्योंकि आपको हर एक चीज़ आपको अगर बताना है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा तो ज़रूर होगा, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो तक सीखने की इच्छा लेके आए हैं तो इस वीडियो तक बने रहिए। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़ करके आप जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका जो है अमेज़ॉन पे आपका एक एफिलिएट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका फ्लिपकार्ट पे अगर है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको एक ऐसी वेबसाइट यहाँ पे बताने वाले हैं जहाँ पे आपको सभी ई कॉमर्स वेबसाइट का वहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके वहाँ पे आपको अमेज़ॉन का नहीं मिलेगा, तो अमेज़ॉन का प्रोडक्ट लेने के लिए आपको अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से हमें कुछ नई जानकारी सीखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को या फिर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ यहाँ पे सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको अमेज़ॉन के वेबसाइट पे आ जाना है, amazon.in या फिर amazon.com, दोनों एक ही वेबसाइट है, तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आएंगे तो बिकम एन एफिलिएट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइनअप के लिए आ रहा है। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे साइनअप कर लिया तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, साइन इन करना है। अगर आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप साइनअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट करने के लिए आएगा, और यहाँ पे आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है जो कि आपको फिल करके अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करा लेना है, ठीक है। अगर आपको अमेज़ॉन का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कराने में कोई भी समस्या आता है तो आप में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर हम आपको वहाँ पे पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अमेज़ॉन का एक एफिलिएट अकाउंट बना लेंगे, ओके। अमेज़ॉन का अकाउंट बना लेने के बाद आपको एक वेबसाइट पे और रजिस्टर यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि इंडिया डील्स नाम की वेबसाइट है, और इस पे अकाउंट इस वेबसाइट का भी लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा,
तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से साइन अप फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे बेसिक सा डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है उसको आप फिल करके यहाँ पे आप सबमिट जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों भी वेबसाइट पे यहाँ पे आपको रजिस्टर करके अपना एक अकाउंट यहाँ पे बना लेना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार का वेबसाइट यहाँ पे बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ऐसी यहाँ पे सटीक मतलब तरीका बताने वाले हैं जिससे आप एक कोड सिर्फ आप अपनी वेबसाइट पे इम्बेड करेंगे तो वो सारा सारा प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैन्युअली कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही फ्लिपकार्ट से ना ही अमेजोन से, आपको सिर्फ एक कोड आपको डालना है अपने वेबसाइट पर और ये सारा सारा प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है, तो वो तरीका हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं और इसी प्रकार का वेबसाइट यहाँ पे आपको बना के दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू विंडोज़ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप मेक श्योर करें कि आपका गूगल क्रोम किसी ईमेल आईडी से लॉग इन हो, तभी आप आगे का प्रोसेस यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको कुछ डॉट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, इस डॉट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉगर का यहाँ पे आपको कहीं पे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ब्लॉगर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉगर के वेबसाइट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अपनी वेबसाइट का यहाँ पे टाइटल क्या देना चाहते हैं, तो अभी के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं अपना दुकान सपोज दैट एक रेंडमली यहाँ पे हमने दे दिया है, तो इसको आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपको बोल रहा है एड्रेस देने के लिए, मतलब कौन सा एड्रेस, यहाँ पे आपको वो एड्रेस देना है जो कि आपके वेबसाइट पे आपके वेबसाइट के लिए है, जैसे कि सपोज दैट डोमेन नाम होता है वो आपके वेबसाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, तो वो वही आपको यहाँ पे अपना डोमेन नेम यहाँ पे आपको देने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम अभी कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि अपना दुकान देखते हैं या फिर नहीं है, कोई भी आप यहाँ पे डोमेन नाम यहाँ पे डालेंगे, अगर वो यहाँ पे डोमेन अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपको लिख देगा दिस ब्लॉक एड्रेस इज अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आपको एक एरर यहाँ पे शो करेगा, इस तरह से आपको यहाँ पे एरर शो करेगा, अगर ये अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपको अवेलेबल यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले नाम, मतलब आप अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले नाम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अभी दे देते हैं अपना और यहाँ पे दुकान, अपना दुकान यहाँ पे हम डिस्प्ले नाम भी दे दिए। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे फिनिश, और फिनिश करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा, आपका ब्लॉग जो है यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे ब्लॉग सेटअप कर दिया जाएगा, और ब्लॉग सेटअप करने के बाद यहाँ पे आप जैसे व्यू पे आप क्लिक करेंगे, व्यू ब्लॉग पर, यह आपको आपका ब्लॉग पे ले जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे टाइटल दिया है वो टाइटल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जो हमने एड्रेस में दिया था वो एड्रेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अभी बेसिक सा यहाँ पे ये ब्लॉग है, इसको हम कस्टमाइज करेंगे और बेटर से बेटर यहाँ पे बनाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आना है, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर पे एक कस्टम थीम को इंस्टॉल करना है, उस थीम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस थीम को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने वेबसाइट के लिए इम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना है थीम वाले ऑप्शन पे, थीम वाला ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे यहाँ पे टेम्पलेट देखने के लिए मिलेगा, तो इन सब टेम्पलेट को यहाँ पे आप नहीं देने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस पे आपको क्लिक करना है कस्टमाइज पे, और यहाँ पे रीस्टोर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रीस्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपलोड करने के लिए जहाँ भी हमने उस फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले हम उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे ई-कॉमर्स नाम का एक यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड कर लिया है, जब आप इस जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपको इसी प्रकार का एक जिप फाइल मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे आपको क्लिक करना है,
जैसे ही आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ई कॉमर्स नाम का एक फाइल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यही फाइल आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए हम चलते हैं फिर से डैशबोर्ड में और यहाँ पे हम करेंगे अपलोड। और अपलोड करने के बाद हमारा वो डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पे आने के बाद वो हमारा फाइल ये वाला था। इस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग चल रहा है, सो प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे और उसको रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया है, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारा का सारा यहाँ से इस तरह से यहाँ पे थीम आपका कस्टमाइज हो चुका है, ठीक है। तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपको आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर में जो भी हम कस्टमाइज़ करते हैं वो ज़्यादातर कोड के अंदर में होता है, ठीक है। तो आपको अगर कोड आपके समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको हम बेसिक सा यहाँ पे कोड यहाँ पे एम्बेड करके बताने वाले हैं। और कोड वो कोड हमें मिलेगा कहाँ पे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर मेन्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ मेन्यू यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, डील्स, ऑफर, ये मेन्यू शो कर रहा है। इस मेन्यू के अंदर में हम अपना प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे सेट करेंगे और इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो ये गूगल रैंकिंग के लिए ये सभी पेज बहुत ज़रूरी होता है, तो इस पेज का भी सेटअप हम करने वाले हैं। इस पेज को भी हम अपने पेज के साथ लिंक करने वाले हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी पेज यहाँ पे नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई पेज अभी तक बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और सर्च वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और ये गूगल ऐड के लिए अगर अपने वेबसाइट पे कोई भी ऐड शो कराना चाहते हैं तो वो आप इस सेक्शन के अंदर में शो करा सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, इस प्रकार का वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और इसकी जो है आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जहाँ पे हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट हम लिस्ट करके यहाँ पे आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को हम आगे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वो नेक्स्ट वाला वीडियो यहाँ पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप अपने लिए यहाँ पे एफिलिएट वेबसाइट जनरेट करके यहाँ पे लाखों रुपया पर मंथ का यहाँ पे आप अर्निंग कर सको, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।